लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में सावन के प्रथम दिन विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा एवं डीएम संजय कुमार सिंह, एसपी पंकज कुमार एवं एमएलसी अजय सिंह ने फीता काटकर शराबनी मेले का उद्घाटन किया एवं सभी लोगों ने पूजा अर्चना भी की। इस मौके पर विजय सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अशोक धाम मंदिर आज बिहार का मिनी देवघर के रूप में प्रसिद्ध है। सिमरिया से कांवरिया लोग उत्तरायण गंगा का जल भरकर यहां लाते हैं और बाबा भोले को जल चढ़ाते हैं और सावन का आज प्रथम दिन है। आज यहां रुद्राभिषेक के माध्यम से श्रावणी मेले का शुभारंभ हुआ है। यहां पर हम सभी लोग मिलकर भगवान का आराधना किए हैं। जो भी यहां शिव भक्त आएंगे उनके सेवा में शासन प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा है और यह मिनी देवघर पूरे बिहार का गौरव बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभा रहा है। बाबा इंद्रनेश्वर महादेव अशोक धाम आज बिहार का मिनी देवघर के रूप में प्रसिद्ध है। सिमरिया से यहाँ तक कांवरिया लोग जल लेकर के उत्तरायण गंगा का आते हैं, जल चढ़ाते हैं और सावन का आज प्रथम दिन है। आज महा रुद्राभिषेक के माध्यम से शुभारंभ हुआ है। यहाँ पर हम सभी लोग मिल कर करके भगवान का आराधना किए हैं। जो भी हमारे यहाँ पर शिव भक्त आए सब लोग मिल करके उनकी सेवा में शासन प्रशासन सभी खड़ा है और ये मिनी देवघर पूरे बिहार के गौरव को बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभा रहा है। के लिए तो हम लोग का आस्था है, आस्था के साथ पूरे हिंदुस्तान में एक ही विशेषता है कि धर्म प्रधान यह देश है और धर्म प्रधान में सबको आस्था रहता है। आस्था के अनुसार ये जो है एक महीना चलेगा, मेला चलेगा एक महीना, पूजा होगा एक महीना। हमारे स्पीकर साहब बोल चुके हैं, हम इतने कहेंगे कि ये शुरुआत जिस समय हो रहा था हम तीन आदमी थे, एक हम थे, एक दीपू अग्रवाल था, एक प्रवीण डॉक्टर साहब थे, तीन आदमी थे, इसका शुरुआत किया। धीरे 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 देखे विस्तार हो गया, हम लोग कल्पना भी नहीं किए थे कि इतना विस्तार हो जाएगा। और ये अशोक धाम बहुत प्रसिद्ध हो चुका है पूरे बिहार में, जैसे देवघर बिल्कुल बहुत पहले से प्रसिद्ध है उसी तरह से बिहार के लिए ये जो है बहुत प्रसिद्ध हो चुका है।